खरगोन में आज भगवान शिवनाथ महादेव का शिवडोला लाव लश्कर और धूमधाम के साथ शहर भ्रमण के लिए निकला। बता दें, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। वहीं सबसे पहले पूजा अर्चना महाआरती के बाद शिवडोले की शुरुआत हुई, जो करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मंदिर परिसर लौटा। इस वर्ष 54वें शिवडोले के चल समारोह में करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। शिवडोले में शामिल बारात के स्वागत के लिए शहर के करीब 100 स्टॉल लगाए गए। भादव की दोज के दिन सिद्धनाथ महादेव के शिवडोले निकालने की 54 वर्षों से परंपरा चली आ रही है। शिव की बारात के चल समारोह में 27 झांकी, 27 साउंड सिस्टम, 17 लोक नृत्य दल, 7 अखाड़े और 10 ढोल ताशा एवं 1 नगाड़ा दल, 1 भजन मंडली, 2 घुड़सवार शामिल हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, SP धर्मवीर सिंह भी डोले का जायजा लेने पैदल पहुंचे। डोले में सांसद गजेंद्र पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, विधायक रवि जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी भी शामिल हुए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। खरगोन की पिछले 50 वर्षों से अधिक वर्षों से शिवडोला निकल रहा। खरगोन की पहचान है सिद्धनाथ महादेव का शिवडोला। राजा धीराज साल भर में एक बार जनता को श्रावण की समाप्ति पर दर्शन देने के लिए निकलते हैं। पूरा शहर और पूरे आसपास के अन्य प्रांतों के भी लोग इस शिवडोले में आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस शिवडोले में पधारते हैं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं और भगवान भोलेनाथ पूरा साल सुख शांति समृद्धि के साथ बीते, ऐसा आशीर्वाद खरगोन की जनता को देते हैं। खरगोन में अच्छी वर्षा हो, खरगोन में शांति रहे, खरगोन समृद्ध बने, इसलिए भगवान भोलेनाथ एक बार वर्ष में अपनी सवारी लेकर पूरे खरगोन की धर्म प्रेमी जनता को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जैसे पिछले 2 सालों में कोरोना काल चला, उसके बाद उन्होंने जो व्यवस्थाएँ करी और उसके बाद पूरे धार्मिक आयोजन आज बहुत संख्या में मनना शुरू हुए हैं, और इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है। और आज खरगोन का जो मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक हमारा शिवडोला निकलता है भगवान सिद्धनाथ के नाम से, यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर धर्म प्रेमी जनता आती है, हमारी माताएँ बहनें आती है, और इस अवसर पर कई प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, कई प्रकार की सेवाएँ की जाती है, भगवान भोले के दर्शन होते हैं, भगवान भोले का आशीर्वाद सबको मिलता है, उसकी प्रसादी मिलती है। एक देशभक्ति का भाव, एक धर्म का भाव को लेकर यह पूरा शिवडोले का आयोजन किया जाता है। और आज 2 साल बाद बड़ी संख्या में अभी हमारा ये भगवान भोले का डोला निकल रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, हमारी नव नियुक्त निर्वाचित हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष बहन छाया जोशी जी, और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता साथ में हैं, कई धर्मप्रेमी जनता साथ में है, और ऐसा अवसर हर साल हमारे सभी लोगों को मिलता है, परंतु नई निर्वाचित जिला इसका चुनाव हुआ नगर पालिका का, भगवान भोले का दिन है, कल चुनाव संपन्न हुए, और इसलिए हमारी नगर पालिका के हमारे पार्षदों ने, हमारे अध्यक्ष ने, हमारे उपाध्यक्ष श्री भोलू कर्मा जी ने सब ये तय किया कि कल भगवान भोले का दिन है तो भगवान सिद्धनाथ के नाम से पौड़ी बस स्टैंड पर एक विशाल गेट भगवान भोले के नाम से बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा भी की गई है। आने वाले साल में उस गेट से ही प्रवेश होगा। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से संदेश देता हूँ कि ये जो दिन है, देश की आज़ादी का 75 वर्ष है, अमृत महोत्सव का भी काल है, देशभक्ति का भी काल है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में हर घर झंडा तिरंगा ये भी अभियान चल रहा है, और इसलिए इस धर्म के आधार पर तिरंगे और भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म प्रेमी जनता रहे, इसका भी संदेश देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूँ हम सभी धर्म प्रेमी जनता से कि अधिक से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, तिरंगा भी साथ में रहेगा, हर स्टॉलों पर तिरंगा भी है, भगवा ध्वज भी है, भगवान भोले का भी गीतों से यह सब सृजन किया जाएगा, और हम सब लोग अपना जीवन अपना सुखी रहे, भगवान भोले की कृपा बनी रहे, और आने वाले समय में कोरोना जैसी विकट स्थिति न बने,
हमारा जीवन सुखमय रहे और देश के विकास के लिए रहे, पुनः आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सिद्धनाथ महादेव से तो एक ही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से इतना जबरदस्त कोरोना काल का समय जो गया था, जिसके अंतर्गत कई लोगों को हमने खोया, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि आज काफ़ी लोग स्वस्थ और प्रसन्न है और पुनः आज शिव डोले के लाखों संख्या के साथ में हम सब लोग आज शिव डोले में शामिल हो रहे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि खरगोन जिला और प्रदेश और देश स्वस्थ और प्रसन्न रहें और सबके ऊपर ईश्वर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। खरगोन से यूडी न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी के साथ कैमरामैन फरदीन अंसारी की रिपोर्ट।